तो अब इनके हिसाब से बहुत अच्छा काम हो रहा है, विकास भी हो रहा है, सब काम हो रहा है। अब बताओ, अब इनके हिसाब से इन्हें लग रहा है, इनके हिसाब से हुआ है, है जे इस एज पे है इनकी नौकरी नहीं लगनी है, जे इस एज पे है इनकी नौकरी नहीं लगनी है, नौकरी हमारी लगनी है, हमारे जैसा विकास नहीं हुआ है। अब बताओ नौकरी लगनी है इनकी, वो बात आपकी ठीक है, नौकरी विश्व स्तर में देखो 149 देशों में सर्वे हुआ है, उसमें इंडिया का 139वां नंबर है। निकलेगी तो नौकरी भी हाँ निकलेगी, कह तो रहे हैं निकलेगी, अब 5 साल फिर इंतजार करो तब निकलेगी। अब ऐसा है 5 साल तब तक तुम चले जाना मोक्षधाम में, और हम तुम्हारे जैसे जो अनाज खा गए गन्ना खा गए, वो ऐसा है ना, हम लोगों ने आज का अर्जुन देख ली है, आज का अर्जुन शायद किसी ने देखी हो, तो अंगूठा तो अपने आप लगाएंगे, हराम का खिला है राव तक देखो, हमने बोल दिया हम मोदी के हैं तो ठीक है, हमने बोल दिया हम बसपा के हैं या सपा के, अरे हटाओ दूसरे पे लगाओ माइक। तो अभी मैं हूँ इटावा जिले के भरथना विधानसभा है ना, यस, और अंबेडकर नगर हाँ, और ये SC सीट है, रिजर्व सीट है। तो मैं जरा घूमने निकला इटावा के आसपास इलाके में कन्नौज की तरफ जाते हुए, कि जरा दलित बस्ती में जाएं और ये समझने की कोशिश करूं कि दलितों में क्या चल रहा है। भाई बात होती है समाजवादी पार्टी की, बात होती है BJP की, इन सब के बीच BSP कहाँ है, दलित वोटर क्या सोच रहा है। हालांकि कई बार ऐसी जगह मैं जाता हूँ, तो भरथना जो विधानसभा सीट है इटावा ज़िले की, अभी तो यहाँ से BJP का कब्जा है इस पर, BJP है ना, अभी MLA कौन है, अभी तो BJP है, BJP है। और इस सीट पर वैसे मुलायम सिंह यादव भी एक बार 2007 में चुनाव लड़े थे, उसके बाद 2009 में समाजवादी BSP भी यहाँ से जीती थी, उसके पहले भी सपा कई बार जीती, कांग्रेस की भी सीट रही, लेकिन ये मोहल्ला दलितों ज़्यादातर सपा की रही 93 के बाद। और ये जो बस्ती है दलितों की बस्ती है, SC बिरादरी की है, ऐसी लगभग 60 के आसपास घर होंगे, 60 घर उसमें सभी लोग हैं, सभी लोग हैं, OBC सामान्य UR अच्छा, सब हैं। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक भारती। दीपक भारती, तो क्या मुद्दा है दीपक इस बार चुनाव में? मुद्दा यही है कि अब झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। हाँ। बस हाँ। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि पहले तो आपने एक हिंदू मुस्लिम बात लगाया है, और वो फोर्स वाला कि आज यहाँ बम कल वहाँ बम, सीमा विवाद वही सारे चैनल पे वही दिख रहा है, तो अब लोग समझ गए हैं 10 लाख किसके में आने हैं, 15 लाख किसके में आने हैं। बस अब तो ये है कि हमें सिर्फ ये चीज़ बता दी जाए कि UP में 5 साल में जितनी भर्ती हुई हैं, आज आप अच्छे आ गए मेरे पास, बहुत दिन के भरे हुए थे। अच्छा हाँ, यूपी में जितनी भर्ती हुई है कोई एक ऐसी भर्ती बता दें आप कि पहला तो टाइम से हो गई हो और दूसरा जो कोर्ट में ना गई हो। सर्वप्रथम आप आए शपथ ग्रहण की हैं, आपने 125,000 शिक्षामित्र निकाल दिए, उसके बाद आपने 68,500 की भर्ती कर दी हैं, रिटेन पे की, उसकी मेरिट आपने कुछ नहीं लगाई, कोई भी मेरिट नहीं, जो पास हो रहा है वो अंदर चला गया। दूसरे में आपने फिर टेट कराया, टेट कराने के बाद आपने फिर सुपर टेट कराया, सुपर टेट आप करा रहे हो उसके पहले जो आप नोटिफिकेशन देते हो उसमें कह देते हैं कि हम इतने इतने परसेंट पास के लेंगे बालक को, है आपने कुछ नहीं कहा, जो पिछली चल रहा है 30-35-40% वाला वही आपने बोला है। उसके बाद जिस दिन हम पेपर सुबह दे के आ रहे हैं, भाई मुझे तो पता है कि मैं 40-45% कर दूंगा है, और वो भी जब मैं पेपर दे गया मुझे पता हो गया 60 के आसपास हो गई है। उसके बाद शाम को आप एकदम एक खबर निकालते हैं कि नहीं हम अच्छे शिक्षक लेंगे, हम ये 40-45% नहीं हम 60% भी लेंगे। अरे पहले मुंह नहीं खुलता था, पहले कहते कि हम इतने परसेंट मेरिट लेंगे, उसके नीचे के एक भी बालक नहीं लेंगे, नहीं लेते आप, किसी को परेशानी नहीं थी, वो आपने ऐसा कर दिया, कोर्ट में चली गई, चलो ठीक है हो गया। एक पुलिस की भर्ती, कोई भी पुलिस की भर्ती, आज कोई रिटर्न दे के आ रहा है, कल उसका रिजल्ट निकला, पुलिस की भर्ती में ये होता है कम से कम 20-25 दिन का बालक को टाइम दिया जाए, क्योंकि अभी उसने रिटर्न किया है फिजिकल के लिए, नहीं दिया आपने, आज उसका रात में कॉल लेटर निकल रहा कि आप कल पहुंचो जाके मेरठ, आपकी रेस है, कौन लगाएगा, कौन लगाएगा रेस, और कोई सुरमा वो लगवा दे रेस, जिसका आज रात में कॉल लेटर 12 बजे आ रहा, सुबह 7 बजे उसको वहाँ पहुँचना है मेरठ,
पहली बात पहुंच नहीं पाएगा, और पहुंच नहीं पाएगा वो रेस नहीं लगा पाएगा। ऐसा होता है क्या? हुआ है? ऐसा हुआ है। अच्छा, पक्के? हाँ, पक्के। अच्छा, मेरे साथ नहीं, मेरे दोस्त के साथ हुआ है। ऐसा क्यों? आप बैठे हो भाई साहब, आप भी रुकना, जरा बात करेंगे। आपको हम लोगों ने यहाँ बैठाला है, तो आप कम से कम दिमाग तो लगाओ, दूसरों के कहने पे तो नहीं चलो। फिजिकल कैसे होता है? हम आज रिटर्न में हैं, और आज ही रिटर्न दे के आए, रिजल्ट आ गया। आज रात में मेरे पास कॉल लेटर आ रहा है। क्या मतलब है रात में कॉल लेटर आ रहा है, सुबह रेस लगाना है? नहीं, लेकिन ऐसा नहीं ये मतलब मुझे नहीं पता कि ऐसे हुआ होगा। ऐसे आपको भी लेटर आया या आप किसी की सुनिए? हमारे मित्र को आया। अच्छा, है। और जब मैं इस विभाग मतलब इस उसमें हूँ, शिक्षा के उसमें तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं इस चीज की जानकारी रखता हूँ कि ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे होना चाहिए। आप क्या तैयारी कर रहे हो? मैं ऐसी सिविल की तैयारी कर रहा हूँ। टेट में मेरे 78 नंबर थे, 88 नंबर थे, 88 नंबर थे, नहीं आया, 2 नंबर से रह गया। मुझे तो पता था कि 50 नंबर वाले का हो रहा है, 60 नंबर वाले का हो रहा है, तो मैंने उसी हिसाब से पेपर दिया। आप पहले बोल देते, पहले नोटिफिकेशन में लिख देते कि हम 60% 65% वाले लेंगे, तो उस हिसाब से मेहनत की जाती है। हम वहीं रह गए। तब बोल रहे कि हम काबिल आदमी को लेते हैं। कौन सा काबिल है? अच्छा, मान लो अगर कहा काबिल आदमी को पहला। हाँ, अब और ये और सुनो, अभी एक टेट दिया, टेट दिया, टेट हम दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, बीच में ये वो हो गई है भाई, भर्ती कैंसिल हो गई, पेपर आउट हो गया। चलो ठीक है, पेपर आउट हो गया, आपने अनाउंस कर दिया 1 महीने में पेपर होगा, ठीक है, होगा। ये एक सिर्फ आपकी मर्जी से हुआ है कि जो टेट का पेपर हुआ है, कैसे मर्जी से हुआ है? उस दिन UPSC का पेपर था, वो कैंसिल करवाया आपने, हैं? किसी ने भी करवाया हो, UPSC का पेपर कैंसिल हुआ, उसकी जगह टेट का हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने बोल दिया था, इस वजह से हो रहा है, हैं? क्या ज़रूरी थी? हालांकि जो हुआ है वो अलग बात है, क्या ज़रूरी थी कि आप UPSC का कैंसिल कर रहे हैं? उनके लिए कोरोना है, हमारे लिए कोरोना नहीं है, हैं? आज चुनाव के पहले कोरोना ख़त्म है हर जगह। देखो, कोरोना तो कोरोना एक बीमारी है, इसलिए उस बीमारी पर तरह तरह की राय है, उस विवाद में। तो बीमारी है तो ठीक है, आपकी बीमारी है तो उस बीमारी को रखो, तो आपको मैसेज आ जाता है परसों कोरोना आएगा, मैसेज दे देता है। जब आपको मैसेज देता है तो आप सोचो हाँ, फिर क्यों नहीं आप सोचो। अच्छा, ये बताओ, जैसे कितने साल से तैयारी कर रहे हो आप? कितने साल से? बहुत टाइम हो गया, 30 साल हो गई। अब आप सोच लो, तो अब तो आपकी उम्र है किसी चीज के लिए? वही शिक्षा विभाग के लिए है। तो क्या अभी भी कर रहे हो? कर रहे हैं। तो काफी मजबूत लग रहा है, जिम वगैरह भी जाते हो? हाँ, यस। हैं? रोज? अब बैठे बैठे क्या करेंगे, बैठे हैं, पेट निकल रहा है, कुछ तो करो शरीर के लिए। अच्छा, तो क्या है ये? तो ठीक है, ये आपने बताया, ये बहुत बड़ा सवाल है बेरोजगारी का और नौकरियों का, लेकिन सरकार कहती है कि हमने इतना किया, लेकिन ये भी तो कहा जा सकता है सबको सरकारी नौकरी मिले जरूरी नहीं है, नहीं, रोजगार नहीं, के बाकी रास्ते भी देखने पड़ेंगे। बाकी रास्ते भी तो दिखाओ ना, है? आज दिल्ली में जा रहे हैं, 9,000 रुपये दे रहा है, और 9,000 में भी वो करा नहीं, आपके लिए नहीं है, क्या है? और इस मोहल्ले से लगभग 20 लड़के थे जो बाहर काम कर रहे थे, वो आज सारे यहाँ हैं। आपने रोजगार दिया है ना, रोजगार दिया है तो वो यहाँ बैठ के खा रहे हैं, है? वहाँ क्या कंपनी में कौन सा रोजगार होता है? काम करोगे जाके, है? तो घर पे खाओ आराम से बैठ के, मिट्टी खोद खोद के। ये हो रहा है, मतलब समझा नहीं। मतलब ये है कि आप ये बोल रहे हैं, मतलब जो वर्तमान में सरकार है वो ये बोल रही है मैंने बहुत रोजगार दिया है। कैसे रोजगार दिया है? मुझे तो नहीं दिख रहा है रोजगार आपने दिया है। तो आपके लिए अगर ये सब मुद्दा है, तो कौन पार्टी लगता है कि ये सब व्यवस्था ठीक कर देगी और रोजगार दे देगी? पार्टी कौन ठीक कर देगी वो आने वाले में जो अब बता रहे हैं लोग बाग, जैसे कि अब इस समय तो मेरे लिए सपा है इस समय, क्योंकि भाई साहब सही बोल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जैसे केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं कि सत्य की राजनीति, मुझे लग रहा है कि अब अखिलेश भाई सत्य की राजनीति करना चाह रहे हैं। नहीं तो आप समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हो? कार्यकर्ता नहीं है, उनके प्रति सुझाव है मेरे। लेकिन जो SC समाज के लोग हैं उसमें ज्यादा लोग तो मायावती के वोटर होते हैं, वो इस वजह से है। देखो, आप वोट दिया है कि नहीं मायावती को? मायावती को, बहन जी को वोट दिया है कि नहीं हाथी पे पहले? हाँ, पहले दिया है मैंने। हाँ, पहले हाथी पे वोट दिया है। वजह ये है, मुझे नहीं, आपको भी समझ में आ रहा होगा। अब बहन जी कहीं समझ में नहीं आ रही है, ऊपर दिख नहीं रही है कि बाहर आके किसी को समझाएं, वोट मांगें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे नहीं लग रहा है ऐसा। तो
क्यों ख़राब किया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश भाई अपनी सत्य की राजनीति के हैं तो उन्हें ही वोट दिया जाए। तो अखिलेश यादव कहाँ से इतने लोगों को रोज़गार दे देंगे? जो वो बोल रहे हैं, जिस हिसाब से बोल रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है। और भाजपा कहाँ से रोज़गार दे देगी? बोल ही तो रही है, बोल रही है। उन दो लोग बोल रहे हैं, एक लोग को तो हम सत्य मानेंगे। लेकिन भाजपा तो सरकार दिल्ली में भी है, केंद्र में भी है, यूपी में भी है, तो वो कहती है कि हम ज़्यादा रोज़गार, 5 लाख लोगों को नौकरी दे दी। नहीं दे दी, 5 लाख निकाल दिए, उसके बाद 2 लाख दे दिए, 7 लाख गिन लिए। ये कहाँ से बोल रहे हो यार? मैंने अभी बोला था शिक्षा मित्र 7.25 लाख निकाले थे, फिर उसके बाद आप भर्ती कर रहे हो, तो नई कौन सी कर दी आपने? अब फिर आप भर्ती की बात कर रहे हो, जो पुलिस की है, फौज की है, ये तो एक नियम होता है, कुछ रिटायर होते हो करते हो, आपने एक्स्ट्रा क्या दे दिया? मुझे तो नहीं लगता है कि एक भी भर्ती जो कोर्ट में ना गई। नहीं, वो अलग बात है, लेकिन भर्तियां हुई है। अब वो भर्तियों के आंकड़े पर सवाल हो सकता है, लेकिन ये कहना कि भर्ती नहीं हुई और 2017 से पहले सब भर्ती होकर छप्पर से बारिश हो रही थी नौकरी रोजगार की, तो बेरोजगार तो हाँ वही एक बात कर रहा हूँ मैं, बेरोजगारी की स्थिति तब भी यही थी। हाँ, ये सरकार चूंकि बड़े दावे करती है इसलिए सरकार पर सवाल है। अभी भी मैनिफेस्टो में फिर उसी तरह से रोजगार और नौकरियों के वादे दावे हैं, और पीछे तो कई तरह के दावे वादे हैं जिस पर कई वीडियो जिक्र कर चुका हूँ। कभी 2.5 करोड़ लोगों को रोज़गार दे दिया, कभी 3 करोड़ को दे दिया, कभी 3.25 करोड़ को दे दिया, तरह तरह के आंकड़े आते हैं। अब बात आती है चूँकि हम दलितों की बस्ती में, आप आ जाओ जरा, बहुत आ जाओ, बहुत अच्छा लगा आपको देख के, बहुत खुश लग रहे हैं। खुश मिजाज हमेशा ही, अरे बहुत खुश मिजाज से आदमी है, इनको देख के मुझे बहुत खुशी आ गई। क्या नाम है आपका? मेरा छविनाथ शर्मा है। छविनाथ शर्मा, तो ये गन्ना कहाँ से लेके आ रहे हो? तो शर्मा जी बताओ, इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है आपके लिए? हमारे सीधी बात है, जो बिरादरी जो है ज्यादा बढ़ता है आदमी है। तो आप इस गन्ने से ध्यान आया, इस गन्ने से पूरी रात भैंस और गायों को रखाना पड़ता है। अगर एक रात बीमार हो जाए आदमी, एक रात बीमार हो जाए सब खा जाते हैं। एक रात अगर आदमी बीमार हो जाए, घर का इंसान कहीं चला जाए एक रात के लिए सिर्फ, तो आप ये समझ लो कि पूरा खेत साफ। अरे बाबा जी, आपने ये गायों को संरक्षण दिया है तो आप उनके लिए कुछ ऐसी जगह बनाएं जो वहाँ पे वो रह सकें। क्यों गली गली में घुमा रहे हो? इस मर रही है, मर अभी वो आप सड़क पे। मोदी जी ने अभी कहा है कहीं, कल फतेहपुर या प्रतापगढ़ कहाँ याद नहीं आ रहा, आज अखबार की हेडलाइन है कि हम जो है गायों की व्यवस्था करेंगे। मोदी जी ने तो ये भी कहा था जब 2014 के आसपास में, जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, 15 लाख आएंगे, 15 पैसे नहीं है अकाउंट में। जा सरकार में सब लोग। ये बताओ शर्मा जी, ये तो बीजेपी के खिलाफ लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? हमें तो सही लगो, बीजेपी सही लगो, सही लगो। जा में जब बिरादरी को नौकरी बहुत मिली है, बिरादरी को नौकरी मिल गया उसमें और का जा में। अच्छा, शर्मा जी को देखिए सही लग रही है बीजेपी, भारती जी को ये दो, एक मिनट, इनको जानते हो आप? खूब जानते हैं। इसी गांव के हैं ये, जो घर हमारा घर कुंडला पे आए। ओ, तो आओ घर इधर, इन आओ घर इधर। ये बोली, मुझे भाषा एक बहुत अच्छी लगती है बोली, हालांकि मैं बोल नहीं पाता हूँ। शर्मा जी बहुत हंसमुख हो आप। हम बहुत हंसते रहते हो? हंसते रहते, मजा आ गया आपसे मिलके। क्या करते हो आप? हम जो जैसे खटिया पुटिया जैसे कोई आई हो, मतलब तखत तखत बनाया, तो ये बताओ तखत बनाते हो सब काम। तो शर्मा जी ये बताओ कि क्यों आपको लगता है कि बीजेपी अच्छी है? देखो जब गुंडागर्दी शांत तो आए, इनके में जो तो बड़े पेट को लड़का भैया सदर हुई बात देखा। मेरे दोनों एक बात बताए रहे तुम्हें आज की, काफ़ी दिन हम गए गांव, मेरे भैया खाली खेत में समझो एक आदमी ने मारो और 1 किलोमीटर चक्कर काट के तब घर पहुंचे समझो। अच्छा, गुंडागर्दी थी? गुंडागर्दी थी, ऐसी सरकार में नहीं है? नहीं है। तो ये शर्मा जी बोल रहे हैं, और ये तो कह रहे हैं कि ये सरकार से ज्यादा अच्छी है। इटावा की भाषा है, अपनो अपनो वोट है, जो जहाँ दे पाए वो दे, जाकी मर्जी, दबाव नहीं है किसी को। अच्छा, आप इधर आइए, आपका क्या नाम है? हमारा नाम नाथूराम। नाथूराम क्या पूरा नाम? नाथूराम कटेरिया।
अच्छा नाथूराम कटेरिया साहब हैं, तो पत्रकार हैं हम दिल्ली से, ऐसे घूम घाम के सब जगह पता करते रहते हैं। अच्छा अच्छा, तो क्या सोच रहे हो, आपकी मुद्दा क्या है, परसों वोटिंग है इधर? परसों वोटिंग है, लेकिन अपना तो मुद्दा विकास का मुद्दा है। हमारा, हमारे भरतना में विकास होना चाहिए, इसी मुद्दे को लेकर हम वोटिंग करेंगे। तो कौन करेगा विकास? विकास जो पार्टी करती आई है वो पार्टी करेगी विकास। अभी तक जिसने विकास किया है, हमको शौचालय दिए हैं, हमको कॉलोनियां दी हैं, हमको जो है रहने के लिए छाया दी है, वही विकास करेगा बीजेपी। हाँ, और ये जो भरतना है, यहाँ से अभी जैसे मैं देख रहा था, बीजेपी के उम्मीदवार हैं सिद्धार्थ शंकर दोहरे हैं वो, उसके बाद राघवेंद्र गौतम जाटो, सब दोहरे जाटो हैं, मतलब कमलेश अम्बेडकर हैं और स्नेहलता दोहरे हैं, मतलब चारों जाटो बोलेंगे ना। हाँ, तो है चमार, चारों को चमार जो खड़े हैं, जाट नहीं है ये, चमार है, जाट नहीं है, जाटों में बोल रहा हूँ, लेकिन चलिए उस शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करूँगा, जाति सूचक आपने खुद बोल दिया। तो चार एक बिरादरी के लोग हैं, एक समाज के लोग हैं, और दलित वोट यहाँ भरथना में लगभग 55,000 है, यादव लगभग 65,000, ब्राह्मण लगभग 45,000, कोरी और शंखवार लगभग 25,000, सही बोल रहा हूँ क्या ये? ठाकुर 22,000, धानु कठेरिया 15,000, मुस्लिम लगभग 25,000। अब यहाँ एक है कि 2017 को देखेंगे, ये समझना जरूरी है, ऐसे समझ में आता है, 2000 इस बीच कुछ और लोग जुट गए, कुछ बच्चे जो नाबालिग हैं, हट जाओ बेटा, आप छोटे बच्चे हो। 2017 में यहाँ सावित्री कठेरिया जीती बीजेपी के, 82,000 वोट मिले, कमलेश कठेरिया सपा के 80,000, मतलब यहाँ समाजवादी पार्टी की 2,000 वोटों से हार हुई, बीजेपी की 2,000 से जीत हुई। राघवेंद्र गौतम बीएसपी के थे, 61,000 वोट मिले, लेकिन वही राघवेंद्र गौतम जो बसपा से लड़े, 61,000 वोट पाए 2017 में, वही राघवेंद्र गौतम 2022 में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। और उसके अलावा जाहिर है सावित्री कठेरिया का टिकट क्यों कट गया? सावित्री कठेरिया का टिकट यो कट गया कि उन्होंने जो है, पार्टी ने तो विकास किया, जो मेन मुद्दा था, जो हमारे बड़े अधिकारी थे उन्होंने तो विकास किया, लेकिन हमारी सावित्री कठेरिया ने इस क्षेत्र में मुड़ के नहीं देखा जीतने के बाद कि हमारे क्षेत्र क्या कर रहा है। तो सावित्री कठेरिया यहाँ से जो सिटिंग एमएलए थी, उनका टिकट काटकर बीजेपी ने सिद्धार्थ शंकर को दिया है। और भरथना से एक बार मैंने पहले शायद बोला, 2007 में मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़े भी, जीते भी 2007 में, 62 में जब मायावती की सरकार बन गई थी, तब बसपा यहाँ नंबर दो पर थी, लेकिन 2012 में सुखदेवी वर्मा समाजवादी पार्टी की जीती, 85,000 वोट मिले, राघवेंद्र कुमार बसपा के 67,000 और सावित्री कठेरिया बीजेपी की 36,000 वोट मिले, जो 2017 में यहाँ से जीती। तो दलितों का वोट यहाँ बहुत कुछ तय करता है भरथना की सीट पर, सही कह रहे? बसपा भी जीतती रही पहले भी, अतीत में भी जाएंगे, समाजवादी पार्टी भी जीती है, बीच में फिर एक बार बसपा भी जीती है। मुलायम सिंह 2007 में जीते, लेकिन बाद में लोकसभा चुनाव लड़ गए 2009 में, और उसके बाद 2009 में यहाँ बीएसपी जीत गई, सही बोल रहा हूँ? अब ये बताओ, इधर आओ युवा जो है, अब ये दो लोग जैसे मान लो बीजेपी के समर्थक है, आप ही गाँव के हैं सब, इनके हिसाब से बहुत अच्छा काम हो रहा है, विकास हुआ, सब हुआ, जरा गाड़ी को उसको जाने दो, नहीं तो यहाँ ट्रैफिक रुकेगा, तो अब इनके हिसाब से तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, विकास भी हो रहा है, सब काम हो रहा है, अब बताओ। अब इनके हिसाब से, इन्हें लग रहा है इनके हिसाब से हुआ है, जे इस एज पे है इनकी नौकरी नहीं लगनी है, जे इस एज पे है इनकी नौकरी नहीं लगनी है, नौकरी हमारी लगनी है, हमारे जैसा विकास नहीं हुआ है। अब बताओ, नौकरी लगनी है इनकी? वो बात आपकी ठीक है, नौकरी, नौकरी जब निकलेगी तो नौकरी भी लगेगी। हाँ निकलेगी, निकली नहीं है ना, निकलेगी तो नौकरी भी लगेगी। हाँ निकलेगी, कह तो रहे हैं निकलेगी, अब 5 साल फिर इंतजार करो तब निकलेगी। अब ऐसा है, 5 साल तब तक तुम चले जाना मोच धाम में और हम तुम्हारे जैसे। अब ये तो बाद में तय करेगा कि मोक्ष धाम में हम पहले जाएंगे या तुम पहले जाओगे, मालूम है इसका किसी को? मालूम है नहीं, जिस हिसाब से किसी को मालूम नहीं, दैविक प्रकोप को किसी का मालूम नहीं है, किसी को कुछ भी, दैविक प्रकोप किस पे बिजली गिर जाए कोई पता नहीं, सही बात है। लेकिन ये बताओ, जैसे अब थोड़ा समझाओ, हम थोड़ा बिरादरी को भी समझने की कोशिश करते हैं, तो किस किस बिरादरी के लोग बीजेपी के साथ हैं इस गांव में? इस गांव में बीजेपी के साथ में ज़्यादा बिरादरी के लोग नहीं है, सब लेते हाँ नहीं है, लेकिन छुटपुट जो है
एक दो चार तो सब बिरादरी में, मतलब सब छुटपुट ही है बीजेपी के पास। बड़ा खतरनाक स्थिति है फिर बीजेपी की है। ले बीजेपी के समर्थक है, खुद ही बोल रहे हैं ज्यादा बिरादरी की बीजेपी के साथ नहीं, छिटपुट एक दो मतलब खुदरा रेजगारी बीजेपी के साथ है। बीजेपी अब बीजेपी के साथ में देखो ऐसा है, यहाँ से सपा हमेशा जीतती आई है, इस बार भी जीत जाएगी। भटदा से सपा हमेशा जीतती आई और इधर से जीतती चली गई है और वहाँ जाके तुम्हारे क्या नाम है, कौन सा है, कन्नौज नहीं, लखनऊ के आगे चकननगर में आके डाउन हो गई। चकननगर में फिर बीजेपी का वहाँ वोट निकल आया, जब बीजेपी का वोट निकल आया वहाँ से। तो इस बार क्या लग रहा है आपको? अभी इस बार तिकोना संघर्ष है, अब देखो किससे किससे तिकोना है। देखो सपा, भाजपा और बसपा, नंबर वन कौन चल रहा है अब? ये हम कैसे, अब पहले डिस्कस कैसे तो अपनी पार्टी को भी आप नंबर वन नहीं मान रहे हो ना? आप मान रहे हो बड़ा संघर्ष। हम तो अपनी पार्टी को नंबर वन मानते हैं। आप कार्यकर्ता हो कि नहीं? हम कार्यकर्ता नहीं है, ना कोई पार्टी के वो है, ना पार्टी से ज्वाइंट है, हम तो एक सामाजिक। ये बताओ, तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या माहौल है यहाँ? मैंने बता दिया वही माहौल है। ये अखिलेश यादव को करें जीत जाएंगे, हो सकता है जीत। अच्छा आप आइए जरा, दो चार लोग और आगे। क्या नाम है आपका? रंजीत यादव। अरे यादव जी हो तब तो आप वही बोलोगे। आप सही बोलेंगे है? क्या बोलोगे? ऐसा आपने कैसे सोच लिया यादव जी वही बोले? बीजेपी में यादव जी नहीं है क्या? है है है, कम है। ये एक डब्बा है यादव के ऊपर, यादव बिरादरी अत्याचार करती है। लेकिन अभी अत्याचार की बात यहाँ तो कोई हो नहीं रही है, लेकिन पहले आपको क्या लगता है किसका माहौल है? वैसे ज्यादातर यहाँ से सपा निकलेगी। हाँ, इसलिए मैंने कहा वही बोलेंगे। हाँ चलो, हाँ हाँ, थोड़ा बाइक बंद कर दीजिएगा, आवाज आएगी। हाँ हाँ, सपा का आपका क्या नाम है? इधर आइए। राजकुमार भारती। राजकुमार भारती, आप दलित समाज के हो? जी जी। तो दलित बिरादरी क्या सोच रही है चुनाव में, क्या मुद्दा है दलितों के लिए इस बार? तो असल में हमारे यहाँ तो समाजवादी पार्टी का माहौल बहुत अच्छा है, आगे रही है। और सारे पूरा दलित समाज समाजवादी पार्टी के साथ जाना चाह रहा है। अच्छा जी, लेकिन ये बहन जी के उम्मीदवारों को यहाँ अच्छा वोट मिलता रहा है, एक बार 2009 में बसपा जीती भी है, इस बार क्या है सर? मिलता रहा सर, वो माहौल अलग था। अभी बहन जी तो पूरी बीजेपी की एजेंट बन के रह गई हैं, ठीक है, पूरा उन्हीं का समर्थन कर रही हैं और लोगों को पूरी तरह उनकी हकीकत पता चल चुकी है, इसलिए जो है सारा दलित समाज लगभग 70-75% जो यहाँ का दलित है सब सपा के साथ। यहाँ का मतलब भर्थना की बात कर रहे हो या मोहल्ले की बात? भर्थना की बात कर रहे हैं सर। तो कैसे आपको पता, आप मतलब समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंट हो क्या? हो नहीं सर, समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंट भी हैं, नगर से उपाध्यक्ष भी हैं। लीजिए अब नेता निकले ही है। लेकिन सर तो यहाँ कैसे आए? हम तो मोहल्ले में गांव में दो चार लोगों से बात कर रहे हैं, आप इधर आए कैसे? इधर अरे भाई, गांव में नेता नहीं होते हैं क्या? नहीं होते हैं, नेता अलग चीज है, नेता अलग चीज है। मैं दलित समाज से संबंध रखता हूँ और मेरे लोगों से कॉन्टेक्ट है लगभग मेरे। तो अभी क्या वोट मांगने के लिए इधर आए हो या इसी गाँव के? मेरा तो सर घर है। अच्छा घर है, चूंकि मैं अचानक सड़क से इंटर किया और इस गाँव में इंटर किया, 200 मीटर पीछे मुख्य सड़क है जो कन्नौज जाती है, इंटर किया और ये लड़का मिला, इनके साथ एक मिले, अब इसके बाद जो लोग इधर से जा रहे हैं आ रहे हैं रुक जा रहे हैं उसी में ये रुक गए। तो चलिए, तो अब एक सज्जन और आ रहे हैं, जरा आइएगा आप, आइए जरा। कुछ नहीं बोल पाएंगे। अच्छा नहीं बोल पाएंगे, कई दिन से हम देख रहे करेल भी कल आप। हाँ हम तो ऐसे घूमते रहते हैं सब जगह, देखा आपको घूमते रहते हैं। क्या नाम है आपका? नाथूराम। नाथूराम, पूरा नाम? कृष्ण बिहारी शर्मा। अरे कृष्ण बिहारी शर्मा, तो कृष्ण बिहारी सर कहाँ है? है? हम लड़का। अच्छा उनके लड़के हैं। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। तो नाथूराम जी क्या मुद्दा है, किसकी सरकार चाहते हो आप? काय की बताऊं? चलो ना भाई, तो कह रहे तो ये बताओ, लेकिन ये तो ठीक है, आप चूंकि आप समाजवादी पार्टी से सीधे जुड़े हो इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है बहन जी का वोट है दलितों की बस्ती में? मैं बहुत जगह 2500 गांव में जा चुका हूं, उनके वोट हैं कि चाहे हम वोट गड्ढे में डाल दें लेकिन हम देंगे बहन जी के नाम पर, चाहे वो हारे चाहे जीते, ऐसे करने वाले भी लोग मिलते हैं। वो सही बात है सर, लेकिन अब आज लोगों को लग रहा है कि बहन जी की सरकार आने वाली नहीं है, समाजवादी पार्टी की पूरे प्रदेश में बहुत प्रचंड लहर चल रही है, तो दलित समाज भी समझता है कि उनको वोट देने से कोई फायदा तो है नहीं, इतना तो उनको है नहीं, ठीक है, इस वजह से सारा दलित समाज मैं समझता हूँ लगभग 60-65% समाजवादी पार्टी के साथ है। अच्छा जी। और यहाँ आप आइए इधर, क्या नाम है आपका? ये हैं सरकारी कर्मचारी, आप भी सरकारी कर्मचारी हैं? चलिए कोई बात नहीं, आप आइए जरा, आपसे समझे हम। क्या नाम है आपका? विकास पोरवाल। विकास पोरवाल, तुम दिखा रहे हो सामने। तो विकास पोरवाल जी क्या करते हो आप?
कुछ नहीं, दुकान है छोटी मोटी। इसी गांव के रहने वाले हो? यही घर है सामने। अच्छा, इनका घर सामने है। देखिए, घर के सामने ही आ गए आपके हम। तो विकास पुरवाल जी, आपके लिए क्या लगता है कि जो उठापटक क्या होने वाली है, किसकी रफ्तार तेज है इधर? यहाँ तो समाजवादी पार्टी चल रही है। लीजिए, समाजवादी पार्टी क्यों चल रही है? उसी की लहर चल रही है। वो तो लहर तो मैंने कहीं देखा नहीं, सब जगह घूम रहा है। लहर कैसे चल रही है? उसी का रुझान है चारों तरफ। अच्छा, आप एससी समाज के हो? एससी बिरादरी? नहीं नहीं, जनरल 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 अच्छा जनरल में बनिया। अच्छा बनिया, अरे बनिया तो बनिया तो ज्यादातर बीजेपी के साथ होते हैं। होंगे, हम नहीं है। पुरवाल बनिया। अच्छा, यहाँ समझ में आता है, वहाँ लोग बोलते हैं बनिया, वैश्य, अग्रवाल, ये सब जो है, गुप्ता, बंसल, ये ज्यादातर बीजेपी के साथ है। समाजवादी पार्टी हमेशा। तो क्यों समाजवादी पार्टी के साथ हो? उसमें सुविधा मिलती, जिसको जिसको फायदा है उसको वहाँ। फायदा तो बीजेपी में इतना सुविधा मिल रही है, इतना फायदा, इतना योजना, इतनी है। कोई योजना नहीं। अरे इतनी योजना कैसे नहीं मिली आपको? मिली होगी। आयुष शर्मा जी आइए आगे। हो गया, गन्ना रख के आ गए? रख के आ गए। सबसे मजा यह है कि बड़े हंसमुख आदमी है। हाँ। बहुत खुश दिल और हंसमुख। पेंशन वो नहीं बनाई, कार्ड दी गई थी समझो। पेंशन का कार्ड नहीं बना? नहीं, अब जो पिछली सरकार में इनके थी। अच्छा, वो नहीं बनी थी? नहीं बने आई, और साहब इनके अधिकारी ने कार्ड दी। इस सरकार मिल गया अब मेरी कहते 1500 रुपया महीने। चलो तो ये बताओ कटेरिया जी ना, हाँ जी, फाइनली आप जरा अंदाजा बता दो कि जीत किसकी इधर होने वाली है, आपको लग रही है? अब जीत तो आगे का भविष्य तो हम नहीं जानते इतना। अंदाजा बताओ मतलब। अब अंदाजा देखो, वोट पड़ने के अब आज का कल का दिन है, दो दिन शेष है। तो दलितों का वोट आपको लगता है किसको जाएगा ज्यादा? दलितों का वोट जो है दोनों को बढ़ जाएगा। दोनों को मतलब? यानी सपा और भाजपा दोनों को बढ़ जाएगा। बसपा मायावती को नहीं मिल पाएगा। बसपा में भी जाएगा? हाँ, तीन जगह वोट बढ़ जाएगा। मायावती को बहुत कम परसेंट मिलेगा। और दियो हमें। और इन सब के बीच, इन सब के बीच यहाँ मुस्लिम और यादव भी हैं, जिसका जिक्र कर रहा हूँ। 65,000 यादव, 25,000 मुस्लिम, इन दोनों को जोड़ते हैं तो लगभग 90,000 ये वोट है। और उसके अलावा बाकी वोट हैं जिसका जिक्र कर चुका, जिसमें दलित वोट है। अब ये जोड़ घटाओ जैसे भी होगा वो पता चलेगा कि वोटर किस ढंग से वोट देता है। लेकिन मुद्दा जो है चुनाव में आप लोगों के लिए क्या लगता है, सिर्फ मोदी जी योगी जी हैं इसीलिए? मोदी जी योगी जी तो हैं, उन्होंने काम किया है, जो भी काम किया है वो दिखाई दे रहा है। हाँ। आगे भविष्य में काम करेंगे और उसी मुद्दे को लेके जो है। हाँ। वोटिंग की। एक मिनट आप भी आइए जरा। हाँ। एक और साइकिल वाले रुके, जरा हटना साइकिल वाले, दो लोग यहाँ रुके, इन दोनों से बात करेंगे। ये कहाँ ले जा रहे हो? ये अब हसिया वाले हैं, ये खेतों में काम करके आए हैं, गाय की रखवाली करते हैं। अच्छा, चारा काट के आए हैं। चारा काट के आए हैं, बहुत खतरनाक हथियार है ये। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। पूरा नाम? पूरा नाम अजय कुमार। तो अजय कुमार जी, किधर किसकी रफ्तार चल रही है इधर चुनाव में? तो साइकिल की रफ्तार चल रही है, साइकिल पे चल रहे हैं हम। अच्छा, साइकिल पर चल तो रहे हो, लेकिन जनता ज्यादा किस पे चल रही है? साइकिल पर। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि साइकिल विकास कराती है। अच्छा, और भी आज भी पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, आज तक किसने विकास कराया? तो कल तो अमित शाह इधर थे करहल में, उन्होंने कहा एसपी मतलब संपत्ति, पी मतलब परिवार। नहीं, कल थे, उसके पहले कहाँ थे? नहीं नहीं, वो तो ये देश के गृह मंत्री हैं, वो करहल में थोड़े बैठे रहेंगे। तो करहल में क्यों आए, इससे पहले तो भी आते? ये तो कह के गए अखिलेश क्यों आए, जब कहे थे पर्चा दाखिल करने के बाद नहीं आए ना, इसलिए अखिलेश आते हैं हमेशा। अच्छा, मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद भी अभी कहाँ है? नहीं थे तब की बात है ना। आपका क्या नाम है? अमर सिंह। अमर सिंह, पूरा नाम? अमराई सिंह है। अमर सिंह, अमराई सिंह के साथ कुछ तो होगा। अमर सिंह शंखवार, पूरी बात शंखवार, अमर सिंह शंखवार। अच्छा देखिए, मैं फिर से बोल देता हूँ, चूंकि बहुत लोग वीडियो में सब देख के इधर उधर दाएं बाएं दो चार लोग यूट्यूब और ट्विटर पर लिखते हैं कि आप जाति क्यों पूछते हैं या समझने की जाति क्यों कोशिश करते हैं। देखिए भाई, जो इस बात को नहीं मानता है कि समाज जाति आधारित बटा हुआ है, जो इस बात को नहीं मानता है कि चुनाव में जातियां अहम हैं, वोट जाति के आधार पर, टिकट जाति के आधार पर, राजनीति जाति के आधार पर, उम्मीदवारी जाति के आधार पर, किसी विधायक का टिकट कटना उसमें जाति फैक्टर,
किसके वोट कहाँ कितने ज़्यादा हैं उसके आधार पर टिकट मिलना, सारा समीकरण बिसात बिछाकर जातियों का हिसाब किताब लगाना, ओबीसी, गैर यादव ओबीसी, जाटो, गैर जाटो एससी, ये सारा हिसाब किताब लगाने वाले लोग, इसी से राजनीति चलती है। लेकिन वो हिपोक्रेट मैं मानता हूँ जिनको लगता है कि नहीं ये जाति कोई मुद्दा नहीं है, आप जाति की क्यों बात करते। निषाद सम्मेलन निषाद पार्टी के मुखिया करते हैं, अमित शाह योगी उसमें जाते हैं, तो जाति की बात नहीं हो रही थी तो किस चीज़ की बात हो रही थी। ऐसे जातीय आधार पर पार्टियां बनी हैं, उनका नाम ही उसी ढंग से रखा गया है। अपना दल किन की पार्टी है, जातिगत आधार की पार्टी है। ऐसी बहुत सारी निषादों की पार्टी, ऐसे बहुत सारी पटेलों की पार्टी, बहुत सारी पार्टियां बिहार में भी है। तो इसलिए ये जब टिकट जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है और जब छपता है तो बीजेपी की तरफ से कहा जाता है इतने ओबीसी मंत्री हैं, इतने ओबीसी केंद्र में मंत्री हैं, इतने ओबीसी को टिकट दे दिया, इतने ओबीसी यूपी में मंत्री हैं, इतने एससी हैं, इतने दलित। हर आंकड़ा तो अखबार में ऐसे विश्लेषण छपता है भाई कि इतने 60 दलित और 35 ओबीसी और 65 फलना 65 ढिमका ये राजपूत। तो फिर जाति के बिना तो कुछ है ही नहीं। और मैं कहूँ कि 6 महीने घूमने के दौरान मैंने देखा कि जातियाँ कितनी, जातिगत समीकरण और जातीय अस्मिता कितना मायने रखता है। मैं कई जगह बघेलों के गांव में गया, अब वो कह रहे हैं कि हमें तो बघेल चाहिए, जो भी होगा वोट देंगे। गुजर के गांव में गुजर चाहिए, कोई और गांव में कोई और चाहिए। निषाद के गांव में कई जगह गया, निषाद कैंडिडेट होगा देंगे चाहे जिधर भी। तो ये होता है, इस तथ्य को कबूल करना पड़ेगा। इसलिए मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसी में ये भी समझ में आता है कि हाँ कुछ जाति ऐसी है जिसको माना जाता है कि ट्रेडिशनली फला पार्टी की वोटर है, लेकिन उल्टी राय कुछ निकलती है तो पता चलता है कि इसमें क्रैक हो रहा है। इसके लिए जरूरी, क्यों सैनी को जोड़ा बीजेपी ने, क्यों शाक्य को जोड़ा, क्यों मौर्य को जोड़ा, और उसके बाद क्यों उसमें से कुछ लोग सपा की तरफ गए, तो क्यों हिला कुछ समीकरण। ये मेरा भाषण इसलिए ताकि यूट्यूब पर आकर आप बार बार जो जाति 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 उसकी वजह थोड़ा हकीकत जो है उसको समझ। गलत बोला, जाति का हिसाब किताब सब होता है ना, होता है। सब लिस्ट लेके उम्मीदवार घूमता है ना कि 10,000 यहाँ पे फला जाति है, 5,000 इस गांव में, 2,000 इधर, 500 ये बूथ, वो होता है कि नहीं बताइए। आइए क्या बोल रहे हैं, जाति के समीकरण पे ही चुनाव होता है। देखिए बीजेपी समर्थक है बोल रहे हैं कटेरिया साहब ना, जाति के समीकरण पे होता है ना, तो होता है। तो हमें लोग कहते हैं कि आप क्यों पूछते हैं। अब चलिए आपसे शंखवार साहब है, तो शंखवार साहब आप बताओ कि किसका पलरा भारी है इधर। इधर तो साइकिल को भारी पड़ रहा है, हमने जो है जहाँ जहाँ मतलब जो खड़े होते हैं लोग कहते हैं कि मतलब जो है चल रही है, काहे चल रही है भाई। कमल का फूल भी बहुत तेजी से है इधर, पूछ 2017 में तो सब जगह कमल का फूल ही खिला था, यहाँ भी भरथना में भी। अब वो खिले क्या हो क्या नहीं हो, जो बातचीत हो रही है, जो आदमी के मुँह से निकल रही है बाबा, तो हम जाना थे को निकलिए का हो अब्बा हम नहीं कह सकते। हाँ। साइकिल की बात ज्यादा हो रही, जहाँ खड़े हो तहाँ मतलब जो है। आप इसी गाँव के रहने वाले हो? हाँ, चलो पीछे गाड़ी रुक रही है, उनको रास्ता देना पड़ेगा। चलिए शंखवार साहब बहुत बढ़िया, आप एक दो लोग इधर पीछे और दिख रहे हैं, जरा कैमरामैन को कहेंगे, क्योंकि ऐसे ही होता है। अच्छा होता है जाते आते कुछ लोग अचानक मिलते हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा क्या नाम है आपका? स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह, पूरा नाम? स्वरूप सिंह शंखवार है। शंखवार, तो स्वरूप सिंह शंखवार जी, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार तो अब देखो माननीय अखिलेश यादव जी आनी चाहिए अब की बार। अच्छा, लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। अच्छा, ये चाबी में देख रहा हूँ, फोटो किसका लगाए हुए? वो माता जी हमारे जो सबसे। अच्छा 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 अच्छा, तो अखिलेश आप क्या क्या नाम है? ब्रजेश। पूरा नाम? ब्रजेश कुमार। अरे उसके बाद भी कुछ होगा, वो भी शंखवार। शंखवार है, हाँ। तो किसकी सरकार चाहते हो आप? अखिलेश की आनी चाहिए। क्यों अखिलेश की आनी चाहिए? योगी मोदी जी इतना राशन दे रहे हैं, इतनी योजना दे रहे हैं, सब चीज़ दे रहे हैं। मोदी जी का राशन अपने घर से दे रही। क्या 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 क्या? मोदी जी राशन के अपने घर से दे रही। हाँ। दे तो रहे, किसानी का लिया हुआ। हाँ। अपने घर से तो दे नहीं रहे। हाँ। क्या घर से दे दिया उन्होंने? क्या नाम है आपका? उदयवीर सिंह शंखवार। शंखवार, तो आपको पता है सरता भदौरिया जो इटावा की विधायक है, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल हो रहा वो तो पता देखा है कि नहीं आपने? क्या कर रही हो? वो क्या कह रही? जे क्या गेहूँ खाया, चावल खाया, गल्ला खाया, पैसे दिए, किसका दिया पैसा? और गेहूँ चावल जो मिल रहा वो मिल रहा है किसका है? गरीबी का है, किसान का है? वो कौन सा खेत जोतने जा रहे हैं? पहले जो वर्तमान में प्रेजेंट में रिचार्ज होता था वो इतना महंगा कर दिया, पेट्रोल भी इतना महंगा। अनाज खा गए, गन्ना खा गए,
वो ऐसा है ना, हम लोगों ने आज का रुझान देख ली है, आज का रुझान शायद किसी ने देखी हो, वो अंगूठा तो अपने आप लगाएंगे, हराम का खिला है राव, वो देख लिया है इस वजह से आपने वोट वही है, खाए है। का मतलब जो भी राशन मिल रहा है प्रेजेंट टाइम वो, लेकिन हम लोगों से ही वो ले रहे हैं, क्योंकि जो वर्तमान में जो भी रिचार्ज तो वो महंगे कर दिए, ठीक है, उसके बाद पेट्रोल दाम वो भी महंगे हैं, तो इसलिए वो राशन फ्री वहाँ तो मैं उधर इशारा करो, एक्चुअली गाड़ी रुकी है तुम्हें करो 5 मिनट में, हाँ तो वही उसी बेनिफिट से वो निकाल के हम लोगों को खिला रहे हैं, कहाँ कहीं हमारे ही दम से हमको ही खिला रहे हैं, लेकिन देश का प्रदेश का इतना विकास हो रहा है जो जिसके लिए ज़रूरी है, ये सब माफिया परिवारवाद ये सब करने वाले लोग हैं अखिलेश यादव, ये सब सिर्फ यादव का विकास हो जाता है, एक समाज का, एक बिरादरी का हो जाता है, एक कौम का हो जाता है, सब आरोप लगाते हैं बीजेपी वाले, लगाते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमें उनकी सरकार में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई और आगे भी बेनिफिट मिला उनकी भी अखिलेश यादव के, और जो अभी है वो पहले भी मुझे मिल रहा था। ये शंखवार बिरादरी के लोग हैं, आप भी शंखवार हो, हैं तो इस गाँव में शंखवार भी हैं, ओबीसी में आते हैं, हैं हैं एससी में हुए शंखवार, एससी में आते हैं, हैं अच्छा शंखवार कोरी हुए, अच्छा चलिए तो यही जातीय समीकरण को समझ थोड़ा सा बंद कर दिए समझने की कोशिश के तहत, तो एससी का गांव है और मैंने जैसा शुरू में कहा कि एससी का वोट बहुत मायने रखेगा इस सीट पर तो, और यूपी में भी, और ये बार बार जो एससी समाज का रुख उसको समझने की मैं कोशिश करता हूँ, उसी के तहत इटावा ज़िले के भरथना इलाके में आया हूँ, जो अंबेडकर, क्या नाम है गांव का, अंबेडकर नगर गांव है, जहाँ एससी समाज की अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, जो मैंने सुना वो आपको सुनाया, अभी ये भाई साहब जा रहे हैं दो लोग से और बात, क्या नाम है आपका, जयचंद, खतरनाक नाम है, पता है कि नहीं आपको है? पता है इतिहास कुछ पता है कि नहीं, कन्नौज के राजा हैं। अच्छा चलिए मजाक करो, बुरा मत मानिए, तो कहाँ घर है, नहीं है पास ही, आगे गली, आगे गली में, तो क्या सोच रहे हो आप इस बार की, क्या इरादा है, किसकी सरकार चाहिए आपको, देखो काऊ की तो बनी सरकार, काऊ की तो बनी, आप काऊ के बनाओगे, अब जागी बन जाता है कि बनाए दिए हम, आप काऊ की बनाओगे, जिनकी चल रही उन्हीं की बनाए दिए, उन्हीं की बनाए दिए योगी जी के, काहे योगी जी की बनाए दिए ये बताओ, काहे बनाएंगे, ठीक चल रही सरकार, ठीक चल रही है, यहाँ दो चार लोग कह रहे ठीक नहीं चल रही है, अब दो चार लोग कहने से काम मतलब, हाँ कहने से काम मतलब, क्या ठीक चल रही है, एक दो चीज़ बता के जाओ, सभी ठीक चल रही, क्या व्यवस्था गड़बड़ का है बताओ ना, क्या जाए एक दो चीज़ बता दो समझने के लिए ना, हम सब तो ऐसे ही समझते हैं, कोई परेशानी नहीं है कौन तरीका की, और हाँ सब ठीक चल रही, एक दो काम बताओ ना कि ये सब चीज़ है, सब अच्छे ही काम है, खराब होने का काम करी, चलो ठीक, क्या करते हो आप, मिस्त्री है, अब आखिरी इनसे बात कर लेंगे हम, मिस्त्री जी को जाने दो, क्या नाम है आपका, पिंटू नाम है, पिंटू पूरा नाम, पूरा नाम है, पूरा नाम है, आधा नाम काट क्यों रहे हो, नहीं इतना ही है, पिताजी का नाम, श्री किशन है, पूरा नाम, इतना ही है, दादाजी का, बच्चीला, सब में आधा आधा काट रहे हैं जानबूझ के, लेकिन चलो कोई बात, पिंटू लाल जी ये ठेला आप ही का है ना जी, तो क्या अभी कहीं से कुछ सामान रख के आ रहे हो, ले जा रहे हो, लेने जा रहे हो, तो क्या लगता है क्या सोच रहे हो इस बार सरकार किसकी बनाने की सोच रहे हो, तो सरकार जो आराम मिल रहा है उसी को बनाएंगे, किससे आराम मिल रहा है, कमल का फूल को बनना है, तो बताओ फिर खुल के बोलो क्या आराम मिल रहा है ये बताओ, बहुत जैसे हर तरीके से, जैसे बताओ थोड़ा जोर से बोलो, रिकॉर्ड हो रहा है, बोलो, गुंडागर्दी नहीं है, हाँ और राशन भी मिल रहा है, पब्लिक को शांति है, कोई वैसी दिक्कत नहीं है, कॉलोनी भी मिली है हर तरीके से, और तो गुंडागर्दी एक बड़ा तसल्ली है लगता है, गुंडागर्दी क्या है, हम लोग बाड़े ले जाते हैं, मान लिया तुमने कि अब 200 रुपये मांग ले, कह रहे कितने इतने किसने पैसे भेज लिए, तो 100 रुपये ले ले, कौन ले लेता था, कहते हैं भाई, पहले कहते थे सर, कहते नहीं थे, अच्छा और दूसरा बता रहे हो राशन मिल रहा है, तो राशन तो 31 मार्च तक मिलेगा चुनाव तक, अरे नहीं मिलेगा तो अब महीने का मिलेगा, अच्छा बस ये फ्री वाला बंद हो जाएगा 31 मार्च के बाद, तो जितना मिल रहा था उतना ही तो मिलेगा, नहीं फ्री वाला जो मिल रहा है 5-5 किलो पैकेट सब डबल इंजन से, वो बंद हो जाएगा 31 मार्च तो जाने दो, महीने तो कोरोना से लेकर चुनाव तक इसीलिए बढ़ा दिया, महीने पे मिले भाई में राजी रहेंगे, वही में राजी शांति, हाँ जैसे इन्होंने कहा शांति तो है, ये बताओ ये अब जो तब तक आप देखिए लोग इतने जुट गए और 2-3 गाड़ियां भी यहाँ ट्रैफिक में, चूँकि ये कोना है तिकोना सा डेड एंड है,
तो इसलिए रुक गई है, बस दो चार मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ। ये बताओ जैसे, नहीं नहीं आप भी रुक जाओ, इधर आ जाओ, लड़के को बुलाते हैं जरा आपके सामने। जैसे अब जैसे ये देखो, करें शांति है, अनाज है, सुख चैन से बैठे, यही जो सज्जन अभी गए साइकिल पे वो भी बोल गए, तो ये एक यहाँ के लिए मुद्दा है ना। बहुत लोग बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, शांति से चैन से हम बैठे हैं और अनाज उनाज मिलता है, और क्या चाहिए? शांति इन्हें क्या पता है। विश्व स्तर में देखो 149 देशों में सर्वे हुआ है, उसमें इंडिया का 139वां नंबर है दुखित में, जहाँ खुशहाली नहीं है। सबसे पहला नंबर है फिनलैंड का। क्यों है, हम इतनी बड़ी जनसंख्या, हैप्पीनेस इंडेक्स है शायद, हैप्पीनेस इंडेक्स में क्यों है ये है? हम इतनी भ्रष्टाचार में, न्यूजीलैंड फिनलैंड ये आगे हैं, सही हैं, जहाँ भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है, हम किस स्तर पे बैठे हैं? इतनी बड़ी जनसंख्या हम रखते हैं, एक बड़ा परिवार रखते हैं, हम चाहें विश्व में सबसे आगे हों, क्यों नहीं है? आज यूक्रेन पे रूस हमला कर रहा है, सोच रहा है, और अमेरिका उसे रोक रहा है, हैं, चीन उस पर जा रहा है। हम लोगों की स्थिति ये है, गोधन होते हैं हम लोगों के यहाँ, गोधन वाली है, अब हम किधर जाएं? अरे हम अपना वर्चस्व बनाए कि इंडिया कहाँ जाएगी, ये नहीं कर सकते हैं। ये सुनने में अच्छा लगता है, आप विश्व पटल पर चले गए, हम तो अभी भर्थना में थे, लेकिन अच्छा है आप यूक्रेन चीन सब जगह ले गए, उस पर बात करेंगे, लंबा होगा। भ्रष्टाचार की जब बात करते हो, तो भ्रष्टाचार तो 2017 से पहले भी भ्रष्टाचार के बहुत आरोप हैं अखिलेश परिवार पे। उस इंडेक्स में अब बढ़ावा हुआ है, ना कि घटे हैं, उस इंडेक्स में थोड़े बढ़े हैं 2 पॉइंट, घटे नहीं हैं। आपने भ्रष्टाचार कहाँ कम कर दिया बताओ? ये बीजेपी कहती है कि पहले भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा होता था, कहती है तो ये मैंने थोड़ी नहीं लिख दिया इंडेक्स में। और ये दुनिया भर का बोलते हो, बीजेपी वाले तो बोलते हैं कि 56 इंच के सीना के सामने चीन पाकिस्तान सब की हवा टाइट है बिल्कुल। अरे कैसे टाइट है? अगर चीन की और पाकिस्तान की हवा टाइट होती, या अमेरिका की हवा टाइट होती, या रूस की टाइट होती, तो दुनिया में जो चल रहा है, जो न्यूज चैनल है, ये ना कहते कि इंडिया कहाँ जाएगी। अरे चैनल हा? तो सब जय जय कर रहा है मोदी जी का, जय जय नहीं कर रहे, बिके हैं। एनडीटीवी को देखो, रवि सर को देखो, ईमानदारी से आलोचना होती है, आलोचना का मतलब होता है अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा, वो आलोचना करते हैं रवि सर, इतने गोस्वामी सर, चौधरी सर, बाकी वगैरह, हाँ बाकी लोग जो हैं उस तरीके के ठीक है। आज तक देखो, हमने बोल दिया हम मोदी के हैं तो ठीक है, हमने बोल दिया हम बसपा के हैं या सपा के, अरे हटाओ दूसरे पे लगाओ माइक। चलो ये मीडिया को लेकर लोगों की नाराजगी गांव-गांव देहात-देहात में मिलेगा। अच्छा रहा आप जैसे लोग आ रहे हैं जो हम लोगों के यहाँ दिल की सुन रहे हैं। ये बहुत बड़ी नाराजगी है लोगों की, और ये सच भी है कि जो सत्ता में होता है सवाल उससे पूछे जाते हैं। हालांकि इन्होंने भ्रष्टाचार और बाकी मुद्दे पर बात की, उसके लिए कोई 5 साल में चीज़ें नहीं हो सकती, पिछली सरकारों की भी 100 नाकामियाँ खामियां रहीं। लेकिन मैं भी वहां फिर कहता हूं कि राम राज्य के वादे किसने किए, अच्छे दिन के वादे किसने किए, भारत को विश्वगुरु बनाने के दावे वादे किसने किए, और कौन है जो कह रहा था कि हमें 60 महीने दे दो, 60 साल के बनाम तो हम भारत को पता नहीं क्या क्या बना देंगे। तो 60 महीने से ज़्यादा अब 7.5 साल हुए मोदी सरकार के, सवाल वहाँ पूछे जाने चाहिए। नाराज़गी इन सब की मीडिया को लेकर होती है कि मीडिया अपनी भूमिका नहीं निभाता है, सरकार के लिए डुगडुगी बजाता है, मोदी योगी के सामने मैं तो कहता हूँ लेटने और लोटने का काम करता है, और जो सवाल सरकार से पूछना चाहिए, सरकार को जब जब कटघरे में खड़ा करना चाहिए, कोशिश होती है विपक्ष को लगातार कटघरे में खड़ा करो और सारे सवाल विपक्ष से पूछो, सत्ता पक्ष को कहीं न कहीं रास्ता दो निकलने का। तो इसलिए इनका यह वाजिब सवाल है, मीडिया तीसरा पक्ष है, उसे सही से बात रखनी चाहिए, झूठ है तो झूठ, सच है तो सच। आलोचना का मतलब क्या है? आलोचना अकेली बुराई की नहीं होती है, आलोचना का मतलब होता है जो सच सही कह रहा है तो सच कहें, झूठ कह रहा है तो झूठ कहें उसकी। ये थोड़ी नहीं किसी एक पक्ष को पकड़ लिया, ये नहीं होता है। मीडिया का जो स्तर है वो एक अलग तीसरा पक्ष ले जाता है उसको। चलिए अब ख़त्म करेंगे, क्योंकि लोगों का रास्ता यहाँ बंद हो गया है इस तिराहे पे। तो फिलहाल भर्थना के गांव अंबेडकर नगर से इस बातचीत को ख़त्म करने से पहले बता दूं, जैसे शुरुआत एक लड़के से हुई, दो लोग हुए, दो लोग से इतने लोग हो गए, और ऐसे जाते आते जो लोग दिखे साइकिल से, रिक्शा से, या किसी चीज़ से, उनसे जो मैंने बात की अब आपके सामने है, आप अंदाज़ा लगाते रहिए। और ये कि सवाल बहुत सारे वाजिब हैं जो गांव-गांव में उठ रहे हैं, और जो गांव-गांव से सत्ता से पूछे जा रहे हैं, लेकिन अब
तय तो जनता को करना है। वोटिंग इस इलाके में इटावा जिले की सीट पर और आसपास के इलाके में 59 सीटों पर, पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्से और कुछ सेंट्रल यूपी, तीसरे दौर का चुनाव होना है 20 तारीख को, 2 दिन बाद, और नतीजे जब आएंगे 10 मार्च को, तब पता चलेगा कि जनता ने किसे चुना है। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक अपील कि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और ऐसे ही मैं अचानक किसी गाँव में जाता हूँ, बीजेपी वाले चाहे कुछ भी कहें कि लोग तुम जुटा लेते हो, एक तरह के लोग जुटाते हो, मैंने यहाँ किसी को नहीं जुटाया, जो लोग यहाँ थे सबकी आवाज़ गई, जिसको जो कहना था कहा। फिलहाल इटावा के ज़िले के इस गांव से आप सभी को नमस्कार।